हेलो फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपना ट्रेनिंग जर्नी शेयर करूंगा और मेरा ट्रेनिंग कितने दिनों का हुआ था और मैंने कितना साल मुझे ट्रेनिंग कंप्लीट करने में लग गया था और इसमें ट्रेनिंग को पास करने के लिए कितने नंबर लाने पड़ते हैं और ट्रेनिंग में अगर फेल हो जाए तो क्या जॉब से सीधा बाहर हो जाएंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो, चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी इसको 1 के पहुंचाना है। अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक। फ्रेंड्स, मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर आया था ट्रेनिंग के लिए, वो लेटर मुझे मिलता है, मुझे बहुत खुशी हुई और जो मैंने मेहनत किया था उसका फल मुझे मिला उस दिन और बहुत प्राउड फील हुआ कि मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया। तो वो ट्रेनिंग लेटर लेकर के मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 29 अक्टूबर 2019 में और मेरा पहला ट्रेनिंग सेंटर मुझे डीजल ट्रेनिंग कराया गया था। हम लोगों को डीजल ट्रेनिंग भी हुई थी और अभी डीजल ट्रेनिंग नहीं होती है, तो पहले उस समय हुई थी। तो 2019 में डीजल ट्रेनिंग में करने गया, फिर वहाँ 2 महीने मेरी डीजल ट्रेनिंग हुई और उसमें एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें आपका 60% मार्क्स लाना जरूरी था तभी आप पास हो पाएंगे। और वो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो पढ़ाए जाते हैं उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है और क्वेश्चन पैटर्न भी उतना टफ नहीं रहता है, इजी रहता है। आप अगर पढ़ोगे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे सारे क्वेश्चन। तो ये 2 महीने में वहाँ पे कैसे बीता कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि नया नया एक्सपीरियंस मतलब सीखने को मिला और बहुत सारे नए नए दोस्त बने हर स्टेट से अलग अलग। बहुत ही मेमोरेबल जर्नी रहा मेरा डीजल ट्रेनिंग सेंटर तुगलकाबाद में हुई थी मेरी। उसके बाद फिर हम लोगों का ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हम लोगों को एक ऑफर लेटर दिया गया जिसमें ट्रैफिक के लिए हम लोगों को चंदौसी में भेजा गया जहां पे हम लोगों की ट्रैफिक ट्रेनिंग हुई। और ये ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लाइन पे चलते हैं तो सिग्नल एस्पेक्ट के थ्रू ही चलते हैं। तो ये ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये ट्रेनिंग को भी पास करने के लिए 60% मार्क्स लाना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं तो आपको एक मौका और दिया जाता है और इसमें आपको स्टाइफंड नहीं मिलेगा जो आपको मिलता है। तो इसमें आप अगर पास हो जाते हैं सेकेंड टाइम में तो आपको फिर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा वहीं पे और आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो मेरी ट्रेनिंग जो मुझे 1 साल से ज़्यादा ट्रेनिंग लग गया था, इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा क्यों लगा था। फ्रेंड्स, मेरे 1 साल क्यों ट्रेनिंग में टाइम लग गया है मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। तो हम लोगों का चंदौसी ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद जनवरी के बाद हम लोग फरवरी में मतलब डिविजनल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग रिपोर्टिंग किए थे। डिविजनल ट्रेनिंग में जैसे आप लोगों को एक मतलब सिखाया जाता है, कुछ सीखने के लिए आपको भेज दिया जाता है लाइन पे कि थोड़ा बहुत आप इंट्रोड्यूस हो जाए, ये होता है डिविजनल ट्रेनिंग में जो कि हम लोग की 1 मंथ की थी। और उसके बाद फिर हम लोगों को गाजियाबाद में रिपोर्टिंग करना था जिसमें इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग कराया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। तो इसमें हम लोग करीब 18 दिन ट्रेनिंग किए थे। उसके बाद 2020 में ड्यू टू कोविड-19 के चलते हम लोग की ट्रेनिंग पोस्टपोन हो गई थी जिसमें 9 महीने हम लोग घर पर थे और फिर उसके बाद हम लोगों को बुलाया गया था। तो इस वजह से मेरी ट्रेनिंग 1 साल डिले हो गई और हम लोग फिर 2021 में जनवरी में हम लोगों को बुलाया गया रिशेड्यूल करके ट्रेनिंग। उसके बाद हम लोगों की ट्रेनिंग 1 महीने की कर दी गई थी। 1 महीने में 2 एग्ज़ाम होते हुए थे हम लोगों के जिसमें दोनों एग्ज़ाम में पास होना बहुत ज़रूरी है और पहला एग्ज़ाम में 60% मार्क्स लाना जरूरी है और दूसरे एग्ज़ाम में भी 60%। और अगर इसमें दोनों में आप पास हो जाते हैं तो आपका ट्रेनिंग वहीं पे कंप्लीट हो गया था हम लोगों का। और उसके बाद हम लोगों को 15 दिन का डिविजनल ट्रेनिंग दिया गया था फिर से, क्योंकि उसके बाद लॉबी डिसाइड होता है कि आपको पोस्टेड कहाँ करना है और किस लॉबी में करना है। तो 15 दिन टाइम हम लोग लाइन पे थे फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोगों का 15 दिन का डिविजनल ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को फिर फाइनल पोस्टिंग दिया गया और मुझे पानीपत लॉबी मिला जो कि नॉर्दर्न रेलवे में आती है। तो यहाँ पे मैं पोस्टेड हो गया। उसके बाद मुझे 3 महीने LR करने में लगा। LR मतलब होता है लर्निंग रोड। तो आपको वहाँ पे मतलब LR करना पड़ता है, जिस सेक्शन में आपको काम करना है उस सेक्शन का LR करना पड़ता है। तो मुझे 3 महीने LR करने में लग गया।
उसके बाद वेरीफाइड किया जाता है CLI से, चीफ लोकल इंस्पेक्टर के थ्रू। तब आपको वहाँ पे वेरीफाइड होने के बाद तब आपको एज एन ALP इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए परमिसिबल दिया जाता है कि आप कर सकते हैं वर्क। तो इतना सारा प्रोसेस होता है पूरा ज्वाइनिंग लेटर से लेकर के ट्रेनिंग का, और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा जर्नी रहता है। और मेरी जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही थी। और बहुत सारे भाई क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रेनिंग में क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो जी हाँ, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्टिव में आपको लिखना रहता है क्वेश्चन का, और ऑब्जेक्टिव में आपको टिक करना रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, और आपको जो पढ़ाया जाता है उसी से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग का पार्ट है। तो इसमें लोगों को बहुत ही अच्छा से बुक दिया जाता है, आपको प्रोवाइड किया जाता है कम इंस्टीट्यूट के थ्रू, और आपको उस बुक के थ्रू पढ़ना पड़ेगा पूरा। और आप पढ़ करके एग्ज़ाम दीजिएगा, आप इजली पास हो जाएंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है कि ट्रेनिंग कैसा होता है ALP का, और आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आप भी ALP बनेंगे फ्यूचर में, और वैकेंसी तो आएगी ही, क्योंकि वैकेंसी इसमें आना ज़रूरी है। रनिंग कैटेगरी में हमेशा लोको पायलट का कमी रहता है, और प्रमोशन भी हो रहा है बहुत लोगों का, और रिटायरमेंट भी हो रहा है, तो वैकेंसी तो आना ही है। तो आप ये मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं आएगा, तो आप अपना तैयारी करते रहिए, पूरा मोटिवेट रहिए, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और इसमें लाइन बोलना चाहूँगा ALP के लिए, ये नौकरी नहीं है, एक लंबा सा सफ़र है जिसमें आपको हर रोज़ एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं हूँ एक भारतीय रेल, मैं हूँ एक लोको पायलट, तो ये प्राउडली बोलने में बहुत ही अच्छा फील होता है। तो आप लोग भी एक दिन बोलेंगे, और हमेशा मोटिवेट रहिए। अगर आपको कभी भी डिमोटिवेट अगर फील होता है, तो आप ये सोचिए कि मेरा लाइफ आगे का क्या होने वाला है, उसके सोच करके आप पढ़ाई कर रही है, आप जरूर सक्सेस होंगे। तो आपका मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से 1K पहुँचाना है आपके भाई के चैनल को। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।